दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ दोस्तों ये बेल घंटा दिख रहा है इसे भी दबा दीजिएगा कि दोस्तों आने वाली जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे और एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नील और आप देख रहे हैं इंडियन लेटेस्ट ट्रिक्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कैशबिन एप्लीकेशन के बारे में। जी दोस्तों, कैशबिन एप्लीकेशन से अगर आप लोन लेते हैं तो आपका नुकसान और फ़ायदा कितना होता है। जी दोस्तों, फ़ायदा तो हर कोई समझता है कि अगर हम लोन लेते हैं तो हमें कहीं देना होता है तो वो फ़ायदा हमारा होता है, फ़ायदा हर कोई समझता है। लेकिन दोस्तों इसमें नुकसान बहुत सारे हैं वो आपको बताऊंगा। नुकसान दोस्तों इसमें एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, ब्याज ही नहीं, बहुत सारे नुकसान हैं जिससे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों नहीं जानते हो तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको पूरी सच्चाई आपको मालूम चल जाएगी कैशबिन एप्लीकेशन के बारे में। इस पर हम लोन लेते हैं तो फ़ायदा नुकसान कितना आपका होगा, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि दोस्तों आप अच्छा समझ सको। समझने के बाद ही इस पर आप कम से कम लोन के लिए अप्लाई करो। अगर आप दोस्तों इस पर ले रखे हैं लोन तो आप भी इस वीडियो को देख लीजिए और ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हम आपको पूरी जानकारी देते हैं इस वीडियो में। चलिए आपको बताते हैं पूरी जानकारी। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट मिलता रहे कि आपके लिए इस वीडियो लेके आता रहूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं दोस्तों वही कैशबिन एप्लीकेशन के बारे में जिससे दोस्तों आप लेते हो सिर्फ अपने आधार कार्ड पैन कार्ड पर लोन। इसके बारे में पूरी सच्चाई आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आपने कैशबिन से अगर लोन लिया है तो भी इस वीडियो को देख लीजिए, अगर आप नहीं लिए हैं फिर भी इस वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों मान लीजिए आपने कैशबिन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो आपने लिया होगा सिर्फ अपने आधार कार्ड पैन कार्ड पर लोन। मैंने भी लिया है और इसको पूरा जांच पड़ताल करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तब जाके आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। आपको मैं समझाऊँ और मैंने जो जो मैंने फिल किया है इसमें लेट फीस करके मैंने खुद देखा है, उसके बाद आपको यहाँ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप भी एक बार समझ लीजिए, आपको यहाँ पर समझाने के लिए ही मैं ये वीडियो बनाया हूँ। दोस्तों पहले क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पर यहाँ पर लोन आपको मिल जाता है। लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं कि इसमें आपको नुकसान कितना है आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन लेने में। दोस्तों इसमें अगर आपको लोन मिलता है आधार कार्ड पैन कार्ड पर तो आपको पहली बात कि आपका नुकसान बता दूं, फायदा बाद में बताऊंगा। फायदा वही है दोस्तों कि फायदा आपको यहां पे लोन मिलेगा आपको, उसके बाद आपको फटाफट यहां पे तुरंत आपको लोन मिल जाएगा। और एक बार डॉक्यूमेंट्स डाल दिए तो आपको बार बार डॉक्यूमेंट्स डालने की जरूरत नहीं है इसमें। इसमें दोस्तों रेगुलरली आपको लोन मिलता रहेगा, रिपेमेंट करते जाओगे 15 दिन बाद आपको लोन यहाँ पे मिलता जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक नुकसान, बहुत सारे नुकसान है यहाँ पे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ब्याज तो बहुत ही कम है, लेकिन दोस्तों प्रोसेसिंग फीस, बहुत सारे फीस यहाँ पे जोड़ के और ब्याज वगैरह जोड़ के यहाँ पे आपको यहाँ पे टोटली कम से कम अमाउंट कम से कम 800-900 रुपया हो जाते हैं। कम अगर मान लीजिए आप 5000 का लोन लेते हैं तो उसमें आपको 1000 रुपये यहाँ पे ब्याज प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है। पहला नुकसान तो ये है, अगर आप इस पे लोन लेते हैं तो आपका बहुत ही नुकसान हो जाएगा। जितना का आप लोन नहीं लोगे उतना आपको ब्याज भरना पड़ेगा। और दूसरी बात दोस्तों, आपको मतलब मान लीजिए आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर में जितने फोटो वगैरह है सब यहाँ पे सेव कर लेता है ये एप्लीकेशन। और दूसरी बात दोस्तों, ये आपका कॉन्टैक्ट जितना कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी ये सेव कर लेता है। तो दोस्तों कभी भी आप मान लीजिए पैसे की अगर जरूरत है, आपके पास जरूरत है, तब जाके इसको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और चाहे किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो पहले देख लीजिए उसका प्राइवेसी पॉलिसी क्या है और क्या क्या आप अलाउ करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, डाउनलोड करने के बाद दोस्तों वहाँ पर आपको अलाउड का ऑप्शन आता है, तो आप दोस्तों आँख बंद करके उसे अलाउड कर देते हो। आप ये चीज़ नहीं देखते हो कि वहाँ पर क्या परमिशन आपसे मांग रहा है। तो दोस्तों यही परमिशन आपका पूरा सेव कर लेता है, जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास वो कम से कम आपके फैमिली में आपके रिश्तेदार में वो कॉल करने लगते हैं आप लोन नहीं देते हो तो। और दूसरी बात दोस्तों, जो आप आधार कार्ड पैन कार्ड देते हो इसमें, उसमें क्या होता है दोस्तों कि अपना आधार कार्ड का यहाँ पे OTP वगैरह सब यहाँ पे देते हो तो आपका डिजिटल जो होता है डिजिटल साइन एक होता है उनके पास, तो उससे भी दोस्तों आपका इफेक्ट पड़ सकता है। वो तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकालेंगे, लेकिन दोस्तों आपके रिश्तेदार के पास से कॉल वगैरह ये सब करने लगते हैं। ये सी एक चीज़ इनकी बहुत ही बुरी है। दोस्तों आपसे यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप कभी भी कैशबिन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो सोच समझ के लोन लीजिए। उसमें बहुत सारा ब्याज आपको देना पड़ता है। अगर आपकी इमरजेंसी है, पैसे की ज़रूरत है, फिर जाकर उस पर लोन लीजिए, वरना उस पर लोन मत लीजिए। दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों कैशबिन एप्लीकेशन से सोच समझ के लोन लीजिए। आपको पूरा जानकारी बता दिया हूँ कि इसमें नुकसान आपका फ़ायदा क्या है। दोस्तों अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी दिक्कत किसी एप्लीकेशन में आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि दोस्तों आपके लिए इस वीडियो लेकर आता रहूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।